एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल इंडियन सेफ्टी कल्चर में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। दोस्तों वाल्मीकि ऋषि, हम सभी उस कहानी को जानते हैं जिसमें वाल्मीकि ने अपराध से अपनी आजीविका अर्जित की। उसने लोगों को लूटा मारा ताकि वह और उसका परिवार सुख से रह सके। उन्होंने अपने पीड़ितों के बारे में परवाह नहीं की। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसे एक गुरु मिलता है और उसने पश्चाताप किया। उसने अपने अपराध का एहसास किया और मानवता के लाभ के लिए एक नया जीवन शुरू किया। पर्यावरण पर यह कहानी क्यों? हम सभी ने सामान्य रूप से और विशेष रूप से रासायनिक उद्योगों में वाल्मीकि की तरह काम किया। हमने हरियाली को लूटा, हमने पर्यावरण खराब किया, हमने धरती माँ पर बहुत अत्याचार किए, हमने अपने पीढ़ियों की परवाह नहीं की, बस अपराध करते चले गए। किस लिए? ताकि हम आराम से जीवन जी सके, ताकि हम अपनी अंतरहीन जरूरतों और विलासित को पूर्ण कर सकें। हम क्या छोड़ रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए? अब समय आ गया है कि हम वाल्मीकि बने, शुरू करें। शिक्षा की कोई कमी नहीं है, हमें उसे खोजने के लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आइए पहले किए गए अपराधों को स्वीकार करें, आइए दोषी को अपने परिस्थिति तंत्र को बहाल करना शुरू करें, आइए इस धरती माँ को हरा भरा बनाने का प्रयास करें। दोस्तों जितना ही जरूरी है विकास उतना ही जरूरी है पर्यावरण का रहना भी। दोनों सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। अगर विकास हो रहा है और उस विकास से अगर पर्यावरण का विनाश हो रहा है तो उसका दूसरा विकल्प भी ढूंढना या उसके उचित रूप कार्य करना भी बहुत ज़रूरी है। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसमें बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग पहल करते हैं, कुछ वृक्ष को लगाया जाता है। ये पहल और भी तेज़ी से होनी चाहिए। जितनी तेज़ी से विकास हो रहे हैं उतनी ही तेज़ी से पर्यावरण के संरक्षण में कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम कोशिश करें हम सभी वाल्मीकि बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।